हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूजा घर में शंख कैसे रखना चाहिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। शंख को घर के पूजा स्थल में रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। वेद पुराणों की माने तो शंख समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ महालक्ष्मी का वास होता है। शंख की आवाज़ से वातावरण में शुद्धता आती है। पूजा की शुरुआत और पूजा में आरती के बाद शंख को बजाया जाता है। पूजा में शंख को बजाने को लेकर कई नियम हैं। नंबर एक, धार्मिक मान्यताओं की माने तो शंख का संबंध भगवान विष्णु से है। इसे भगवान विष्णु के चार अयुद्ध शस्त्रों में गिना जाता है। भगवान विष्णु के हाथों में चक्र, गदा, पद्म यानी कि कमल का फूल और एक हाथ में शंख भी होता है। नंबर दो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि पूजा में जब शंख बजाया जाता है तो इसकी ध्वनि से आकर्षित होकर भगवान विष्णु पूजा स्थल की ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इससे न सिर्फ शंख बजाने वाले को लाभ होता है बल्कि जो पूजा में शामिल है उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। नंबर तीन है, शंख को पूजा स्थल में कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इसके साथ ही शंख को घर के पूजा घर के कमरे में आसन पर रखना चाहिए। नंबर चार है, घर में शंख को सुबह और शाम ही बजाना चाहिए, इसके अलावा शंख को नहीं बजाना चाहिए। नंबर छह है, मंदिरों में एक से ज़्यादा शंख नहीं रखना चाहिए। नंबर छह है, शंख को होली, दिवाली जैसे शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल में स्थापित किया जा सकता है। और नंबर सात है, आपका शंख न तो कोई और इस्तेमाल करे और न ही आप किसी और को करने दें, आप इस नियम का पालन करें और आप भी किसी और के शंख का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। यदि आपको ये जानकारी काम की लगी है तो आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा आने वाले नए नए वीडियो सबसे पहले और समय पर मिलते रहें।